लॉरियल पेरिस शैम्पू, अमाउंट भी सेम 714। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी, मैं इस दिन था नहीं, मैं आउट ऑफ जयपुर था, तो उसी टाइम पे डिलीवरी करने आया। यह अंदर जा रहा है, बट इसे देख लो आप, इसे लगा कि पैकेट खुला हुआ है, यहीं पे रुक गया है, वापस से बाहर जाता है और इसे बोलता है पैकेट खुला हुआ है। ये देखिए आप, इसके हाथ में सॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ अमेज़न ने मेरे साथ किस तरीके से फ्रॉड किया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये किसी भी तरह का फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है। तो मैं अब आपको दिखा दूँ, लॉरियल पेरिस शैम्पू, इस पर अपन क्लिक करेंगे, रिटर्न और रिप्लेस आइटम, नॉन रिटर्नेबल है ये आइटम। अगर मैं इसको किसी भी प्रोडक्ट पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, रॉन्ग आइटम सेंट, तो ये कुछ भी आगे यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद में भी नहीं ले रहा है ये। ये बॉक्स शैम्पू का ये है, मैं अब आपको दिखाता हूँ, इसी कंडीशन में मेरे को मिला था। मैंने मंगाया था लॉरियल शैम्पू और इसमें निकले हैं सॉक्स, आपके सामने देख सकते हो आप, बिल भी उसी का है, लॉरियल पेरिस शैम्पू, अमाउंट भी सेम 714, 714 रुपये का, ठीक है। ये बॉक्स भी उसी का है और इसमें घर के इसको कवर किया गया है, जिससे ऐसा ना लगे कि इसमें सॉक्स है। तो पूरा फ्रॉड किया है अमेजन ने। मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है और फास्ट फॉरवर्ड में इसको दिखा रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई आया है यहाँ पर देख सकते हो आप, उसके आने के बाद में डिलीवरी हुई है यहाँ पे, मतलब तो ये आ गया डिलीवरी बॉय, ये रहा, ये यहाँ पे आ गया है। अब ये यहाँ पे रिंग बजाएगा, इस वाले में आप देख सकते हो, ये रहा, ये पैकेट इसके हाथ में है। किसी तरीके का फेक वीडियो नहीं है, आपके सामने एकदम रियल है। यहाँ पे मेरा छोटा भाई आएगा। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी, मैं इस दिन था नहीं, मैं आउट ऑफ जयपुर था, तो उसी टाइम पे डिलीवरी करने आया। हर बार यहाँ पे ये कुछ OTP वगैरह मांगते हैं ना, इसने मेरे से OTP लिया, वो तो अच्छा है, मेरा छोटा भाई था, यहाँ पे अगर मेरे घर वाले कोई होता जिसे कुछ नहीं पता तो वो पैकेट लेके रख लेता। बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें से कुछ निकाल लिया, ये मेरा भाई देख सकते हो आप, यहाँ पे इसने पैकेट लिया है अपने हाथ में, यह अंदर जा रहा है, बट इसे देख लो आप, इसे लगा कि पैकेट खुला हुआ है, यहीं पर रुक गया है, आप देखो कुछ भी फेक नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, वापस से बाहर जाता है और इसे बोलता है पैकेट खुला हुआ है, तो ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के सामने है मेरा भाई छोटा जो मनीष है, ये खोल रहा है गेट, आप देख सकते हो इसके हाथ में पैकेट है, ये इसे खोल रहा है इसी के सामने, क्योंकि इसे लग रहा है ये क्योंकि फेक है। ये देखिए यहाँ पे अभी निकाल रहा है इस पैकेट में से, ये मेरे को फ़ोन कर रहा है क्या मंगाया था, आप देखिए अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए आप, इसके हाथ में सॉक्स, जो भी मैंने आपको दिखाया था, और क्लियर अभी मैं आपको कर दूंगा, एक मिनट। ये देखिए अब आप, ये सॉक्स, शैम्पू नहीं है इसमें, सॉक्स है। ये मेरे को फ़ोन कर रहा है क्योंकि मैं बाहर था, मैंने बताया, ये बाहर आ गया, इस वाले में नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे आ गया, इसे डिलीवरी बॉय को वापस दे रहा है ये, क्योंकि हमने ये नहीं मंगाया था, ये उसको सामने उसको गिरा दिया और उसको बता दिया कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है, और मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दिया था, तो उसने दिखा दिया है इसको, अभी दिखा देगा। और वापस से मैंने फ़ोन किया है इसको, क्योंकि ये मेरे से पूछ रहा था कि ये ऐसे बोल रहे हैं रिटर्न वगैरह, मैंने बोला कि रिटर्न मेरे से यहाँ से नहीं हो रहा क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल है, तो इसी से कन्फर्मेशन कर रहे हैं। बट इसने ये जो भी डिलीवरी बॉय था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले आपको, चतुर जो भी है, एक्सपर्ट था, तो इसने मेरे छोटे भाई को मना कर दिया, बोले हम कर देंगे कोई इशू नहीं ऐसा। अभी यहाँ पे पता नहीं किसी से बात भी कर रहा है या नहीं, मेरे छोटे भाई को बोल रहा है बार बार ये कि है ना मैं किसी से बात कर रहा हूँ आगे कंपनी में, बट ये मेरे को नहीं लग रहा किसी से बात कर रहा है किसी भी एंगल से, तब आप आइडिया लगा सकते हो। हर बार मैं जब भी कुछ ना कुछ मंगाता था ना, तो सबसे अंदर भी नहीं लेके आया पैकेट, ये बार बार चेक कर रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा, देखो वापस चिपका दिया है, अरे मेरे भाई को यहीं से वापस ये दे देगा, बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ से डाल दो नहीं तो हम वापस से रिटर्न कर देंगे। कम से कम 30 मिनट से भी ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन किया था इसने, आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ा है डिलीवरी बॉय, कभी कॉल किसको लगा रहा है, मुझे नहीं लग रहा किसी को एक कॉल लगा रहा है, प्लेसमेंट ऐसे लगता है कि अमेज़न होगा, बट अमेज़न भी बहुत ज़्यादा अब इतने फ्रॉडबाजी कर रहा है ना आपके सामने। आप लोगों के पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो ज़रूर बताना, मैं 2-3 बार कनेक्ट हो चुका हूँ वहाँ से कस्टमर केयर पर भी, पर वहाँ से भी मेरे को कोई रिवर्ट नहीं मिल रहा, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, और मैंने मेल भी कर रखे, देखिए आप
सैम मैंने किया था अमेज़न को, आप लोगों को पता हो तो थोड़ा देख सकते हो आप। अदर आइटम रिसीव, बट कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है।